खबर सुल्तानपुर से है, जहां इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। मुगलों, अंग्रेजों और अन्य आक्रांताओं ने जिस तरह हिंदुस्तान पर आक्रमण करके यहां की सदियों पुरानी परंपरा और संस्कृति सभ्यताओं को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सदियों पुरानी सभ्यता को पूर्ण रूप से नष्ट ना कर सके तो उसे संशोधित कर डाला। उसी तरह से भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या से सटे उनके बड़े पुत्र कुश के नाम पर बसी नगरी कुश भवनपुर जिले का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया था। तो वहीं आज फिर सुल्तानपुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मेनका संजय गांधी के अथक प्रयास से सुल्तानपुर को पुनः उसकी पहचान दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर जिले का नाम सुल्तानपुर से बदलकर कुश भवनपुर करने का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री को भेजा गया है। काफी लंबे समय से जिले के सत्ताधारी इस प्रयास में जुटे भी थे, लेकिन माननीय सांसद श्रीमती मेनका संजय गांधी ने 2019 में सांसद बनने के बाद ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद ही हर जिले का पुराने सांस्कृतिक नामों को वापस अस्तित्व में लाने की कवायद उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू कर दी थी, जिसके क्रम में सुल्तानपुर नगर पालिका के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी बनाई गई बबीता जायसवाल ने अपने चुनावी एजेंडे में सुल्तानपुर जिले का नाम वापस कुश भवनपुर किए जाने का वादा करते हुए जनता के सहयोग से पालिका अध्यक्ष बन गए, जिसके बाद उन्होंने बोर्ड की बैठक में ही सर्वसम्मति से जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। तो वहीं मेनका संजय गांधी के सांसद बनने के बाद समय समय पर सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर किए जाने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। बाद में लंबुआ से भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी ने भी जिले का नाम बदलने के लिए प्रयास किया और विधानसभा में अपनी बात कही। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। संदीप जी, ये सुल्तानपुर जिले का नाम बदलने की एक प्रक्रिया शासन में आ गई है और बड़ी तेजी से, इस मामले में कह सकते हैं कि तेजी है सरकार की तरफ से, तो इसको किस तरह से मानते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, नाम बदला जाए ये एक सांस्कृतिक वो है, चैप्टर हुआ, और अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति के हिसाब से हमारे क्षेत्रों का नाम हो, इसका हम स्वागत करते हैं। साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो भी माननीय राजनेता और अधिकारी लोग हैं, ये नाम बदलें, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ क्षेत्र का आकार, क्षेत्र में अवसर और क्षेत्र की समस्या को भी ध्यान दें तो नाम बदलना सार्थक होगा। हमारे शहर का नाम कुश भवनपुर रखा जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसी परिपेक्ष में राम राज्य कहा गया है, मैं कहता हूँ राम राज्य तो पॉसिबल नहीं है कलयुग में, लेकिन राम राज्य का 1% भी अगर हमारे माननीय और हमारे अधिकारी या जो भी गवर्निंग बॉडी है वो कर ले, तो हम चाहते हैं तब नाम बदलना सार्थक होगा। सिर्फ नाम बदलने से और सब चीजें वैसे ही रहने से समझ में नहीं आता, नाम भी बदले, काम भी बदले, तो नाम बदलने का मैं पूरा पूरा स्वागत करता हूँ। जी, सुल्तानपुर का नाम बदलने की तैयारी चल रही है, इसको कुश भवनपुर के नाम से नया जिला बनाया, मतलब अब जिले का नाम नया कुश भवनपुर होगा, इसको किस तरह से मानते हैं आप? चूंकि समाज सेवा में आप ज्यादा सक्रिय हैं, आपने कई नेताओं को भी देखा है, पुराने आप जिले के जानने वाले भी, जिले को जान रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो कुश भवनपुर नाम सुल्तानपुर का परिवर्तित करके रखा जा रहा है, क्योंकि अयोध्या से, अयोध्या के बिल्कुल बगल है, तो ये निश्चित तौर पे कुश भवन जी का यहाँ पे जन्म वगैरह हुआ था। लेकिन ये है कि नाम भी बदले और कुछ काम भी बदले, तब नाम बदलने की सार्थकता रहेगी और थोड़ा लोगों में मानवता है, आपस में भाईचारा फैले, तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी। जबकि हम पुराने इतिहास से, पुराने अपने धार्मिक इतिहास से, रामायण से प्रेरित होकर राम की तरह चरित्र वाले लोगों का अनुसरण करेंगे, तभी यह कार्य संभव है। धन्यवाद। आपकी मेहनत रंग लाई, सुल्तानपुर को कुश भवनपुर बनाने में आप लोगों का प्रयास रहा है, जो अब सरकार भी मंजूरी जिसको देने को तैयार है, क्या कहेंगे इस पर, क्या कैसे हुआ इस पूरी बात? देखिए, कुश भवनपुर हम लोगों के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये हमारी आस्था, स्वाभिमान और पहचान का मुद्दा था। इस जनपद का पौराणिक और प्राचीन नाम कुश भवनपुरी था,
13वीं शताब्दी के प्रारंभ में अलाउद्दीन खिलजी ने जब भारत पर हमला किया तो उसके भांजे ने यहाँ पर कुशभवनपुर पर हमला किया और तत्कालीन राजभर राजाओं को पराजित कर उसने यहाँ पर कब्जा किया और कुशभवनपुर का नाम सुल्तानपुर कर दिया गया। तो 13वीं शताब्दी से के प्रारंभ से यह सुल्तानपुर चला रहा था जो कि कुशभवनपुर वासियों के माथे पर एक कलंक के समान था। 2017 में नगरपालिका के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के रूप में बच्चा जायसवाल ने इसे अपने चुनावी अभियान का एक प्रमुख मुद्दा बनाया और इस बात की घोषणा अपने प्रत्येक चुनावी सभाओं में और प्रत्येक विज्ञापन में किया कि अगर उन्हें सुल्तानपुर की जनता का आशीर्वाद मिलता है और पालिका अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होती हैं तो नगर पालिका परिषद की प्रथम बोर्ड की बैठक में ही कुशभवनपुर नाम रखे जाने का प्रस्ताव पारित किया गया कि इसका नाम कुशभवनपुर था। तो अपने पुराने गौरव को हासिल करना, अपने स्वाभिमान को पुनः जागृत करना, ये राजनीतिक मुद्दा उनके लिए हो सकता है जो तालिबानों के हमले पर मौन साधे हैं, उनसे और उम्मीद क्या की जा सकती है।